हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। लास्ट टाइम हमने देखा था सिगोरिन डिफेंस में पार्ट 7, आज सिगोरिन डिफेंस का पार्ट 8 है और इसमें हम देखेंगे आफ्टर सी टेक्स d5 देन वाइट प्लेज नाइट f3। तो लास्ट टाइम के बारे में मैं बताता हूँ, लास्ट वीडियो में d4 d5 देन c4 nc6 पॉन टेक्स पोन क्विंटेक्स पॉन और e3, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया है। जिसने नहीं देखा अभी भी वो पहले देख लीजिए। आज हम देखेंगे यही पॉन के ऊपर जब हमारे दो दो अटैक है तो वाइट उसे डिफेंड करने के लिए और क्या कर सकता है। तो वाइट यहाँ पे नाइट c3 खेल सकता है, नाइट f3। तो नाइट f3 के बारे में अब यहाँ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि सिगोरिन डिफेंस में सबसे मेन मूव है e5। याद रखिए, e5 इज अ बेस्ट मूव फॉर ब्लैक। यहाँ पे हम खेलेंगे e5। आफ्टर e5 वाइट खेलता है नाइट c3। अब यहाँ पे d takes e5 इज नॉट गुड फॉर ब्लैक। तो ब्लैक क्वीन टेक्स क्वीन और कैसल ब्रेक हो जाएगा और बाद में ये पॉन भी आपको मिल जाएगा। तो d takes e5 अच्छी मूव नहीं है, इसलिए व्हाइट यहाँ पे नाइट c3 कर सकता है काउंटर अटैक ऑन योर क्वीन। आफ्टर नाइट c3 यहाँ पे ज्यादातर हम सिगोरिन डिफेंस में दोस्तों क्वीन को बिना हटाए ही बचाते हैं। यहाँ हम खेलेंगे बिशप b4 पिनिंग दिस नाइट। व्हाइट खेलेगा e3 पॉन को सपोर्ट और यहाँ दूसरे नाइट को भी आपको पिन कर देना है बिशप g4 और नेक्स्ट थ्रेट आपकी है e4। तो आफ्टर बिशप g4 ब्लैक थ्रेट दे रहा है e4 की। यहाँ पे बेस्ट रिप्लाई क्या होगा वाइट की ओर से, आप वीडियो पुश करके अपनी ही हिसाब से सोच भी सकते हो कि यहाँ क्या खेलना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है बिशप e2, अनपिन करना है नाइट को। आफ्टर बिशप e2 यहाँ बिशप टेक c3, एक सिंपल b takes c3 और उसके बाद e4। अब दोस्तों नाइट d2 ये फोर्स्ड मूव है। नाइट d2 के बाद बिशप टेक्स e2 क्वीन टेक्स e2 और यहाँ नाइट f6, ये मूव नंबर 11 है ब्लैक की। और यहाँ वाइट करेगा कैसल, ब्लैक कैसल। तो ये पोजीशन से आप काफी अच्छा खेल सकते हो। अब देख सकते हो कि वाइट के पॉन स्ट्रक्चर जिसमें c3 पॉन जो है बैकवर्ड पॉन है, a2 पॉन भी आइसोलेटेड पॉन है। हालांकि ब्लैक के पॉन स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है, सिर्फ एक पॉन एडवांस है, बाकी सारे पॉन अपनी जगह पे है। तो इस पोजीशन में एंड गेम में ब्लैक को काफी एडवांटेज है, काफी फायदा है। दूसरा वेरिएशन देखेंगे। ओके दोस्तों, दूसरा वेरिएशन देखने से पहले इसी वेरिएशन में यहाँ से आगे एक गेम खेली हुई थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ब्लैक ने कैसल किया था, वाइट यहाँ पे खेला था a4 और रुक fe8। ब्लैक ने एक और सपोर्ट बढ़ा दिया ताकि जरूरत पड़ने पर क्वीन अगर यहाँ से हट भी जाए तो भी ए पॉन को दो दो सपोर्ट हो जाए और re8 इज अ बेस्ट मूव। यहाँ पे वाइट ने खेला था qb5, उसका आइडिया है साइड पॉन को सेंट्रलाइज करने का। ब्लैक ने रिप्लाई दिया था b6 और ऑलरेडी क्वीन सपोर्टेड है। उसके बाद वाइट प्लेड c4 और ब्लैक ने एक्सचेंज नहीं करते हुए क्वीन d7 रिप्लाई दिया था। नाइट b3, वाइट लगातार a5 की थ्रेट दे रहा है। यहाँ पे ब्लैक ने काउंटर अटैक कर दिया है a6 से। इस गेम में वाइट ने क्वीन g5 पर करके क्वीन साइड अटैक करना चाहा, लेकिन वो भी ज़्यादा कामयाब नहीं है क्योंकि h6 के बाद क्वीन g3 एक ही अच्छा मूव है। और ब्लैक रिप्लाई दिया था नाइट e7। अब नाइट f5 की थ्रेट के साथ वाइट ने f3 किया था और पॉन के ऊपर अटैक, और वाइट ब्लैक ने रिप्लाई दिया था नाइट f5 और यहाँ पे क्वीन f2, वाइट रिप्लाइड नाइट d6।
देखो दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक ने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की है, ब्लैक ने कभी एक्सचेंज करना नहीं चाहा, ब्लैक ने पॉन के ऊपर अटैक सपोर्ट बढ़ाता रहा है। तो नाइट डी सिक्स वाइट रिप्लाई दिया, नाइट डी टू पॉन के ऊपर प्रेशर, क्वीन ई सिक्स, ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क वाला मूव है, बहुत ही बढ़िया मूव है। डी फाइव वाइट प्लेड हियर, और इस गेम में व्हाइट ब्लैक ने रिप्लाई दिया क्वीन ई फाइव विद द थ्रेट ऑफ क्वीन टेक्स ए वन। तो क्वीन ई फाइव के बाद व्हाइट रिप्लाई दिया है रुक ए थ्री, और यहाँ पे आर ई सेवन विथ आइडिया आर ए ई ए, रुक बी थ्री, क्वीन जी फाइव, किंग एच वन, वेटिंग मूव है व्हाइट की ओर से, आर ए ई ए जो ब्लैक ने पहले प्लानिंग किया था वो अब कर रहा है। आर ई वन व्हाइट ने ई फाइव फाइल पे सपोर्ट बढ़ाया, वरना एडवांटेज पॉन टेक्स पॉन और फिर आर क्रॉस, यहाँ पे तीन अटैक है। बी फाइव, बी फाइव ए क्रॉस बी फाइव, ए टेक्स बी फाइव, सी फाइव, नाइट सी फोर, रुक क्रॉस बी फाइव, व्हाइट को लग रहा है वो पॉन प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ काउंटर में क्वीन टेक्स डी फाइव ब्लैक ने कैप्चर किया है, नाइट टेक्स सी फोर, क्वीन टेक्स सी फोर, और फिर से रुक पे अटैक, यहाँ पे क्वीन ई टू से सपोर्ट और एक्सचेंज ऑफर किया है, और ये एक्सचेंज में ब्लैक को ज़्यादा एडवांटेज है, इसलिए रुक क्वीन टेक्स और रुक टेक्स, और उसके बाद नाइट डी फाइव, फिर से ये ई थ्री पे प्रेशर, ब्लैक ने देख लिया कि ई थ्री इज अ वीक पॉन। तो इस गेम में, पूरी गेम में ब्लैक ने जो वीक पॉन है उसी का सहारा लिया है गेम जीतने के लिए। व्हाइट ने खेला था रुक बी थ्री, ब्लैक ने ओपन फाइल तुरंत लेते हुए रुक ए एट, उसके बाद व्हाइट प्लेड बिशप बी टू, और यहाँ रुक ए फोर मैनोवरिंग किया है फिर से, और उसके बाद गेम में किंग जी वन, एंड गेम में किंग को जल्दी बाहर लाने की जो स्ट्रेटेजी है वो व्हाइट ने यूज़ की है, रुक सी फोर मैनोवरिंग किया और इस पॉन के ऊपर प्रेशर। तो रुक सी फोर के बाद रुक डी टू, और ब्लैक ने सी सिक्स से सपोर्ट कर दिया, बिशप डी फोर से व्हाइट ने सपोर्ट किया, किंग एच सेवन एक वेटिंग मूव है ताकि बैक साइड से चेक नहीं आवे, किंग एफ टू व्हाइट प्लेड, यहाँ पे किंग जी सिक्स, एफ क्रॉस ई फोर, रुक क्रॉस ई फोर, किंग एफ थ्री, और ये पोजीशन में ब्लैक ने गेम जीत ली थी। हालांकि ये गेम बता रहा है कि ब्लैक विन बाय टाइम्स, बट वैसे भी पोजीशन के हिसाब से ब्लैक काफ़ी स्ट्रांग है इस गेम में। तो चलिए दूसरा वेरिएशन देखते हैं इसमें दोस्तों। डी फोर, डी फाइव, सी फोर, नाइट सी सिक्स, पॉन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स पॉन, देन नाइट एफ थ्री, और यहाँ पे ई फाइव, ई फाइव के बाद आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर इसमें पॉन टेक्स पॉन क्यों अलाउ नहीं है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर डी टेक्स ई फाइव किया तो यहाँ क्वीन टेक्स डी वन आएगा, आफ्टर किंग टेक्स डी वन वाइट अपना कैसलिंग का चांस खो देगा, तो किंग टेक्स डी वन में बिशप सी फाइव, अब यहाँ पे एफ टू पे प्रेशर, अब इसे बचाने के लिए फोर्स मूव है ई थ्री, बेस्ट मूव है, मतलब फोर्स और बेस्ट भी है। तो ई थ्री के बाद, क्योंकि बिशप ई थ्री पॉसिबल नहीं है, बिशप टेक्स बिशप के बाद बिल्कुल पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो ई थ्री इज ए गुड मूव यहाँ पे। वाई यहाँ पे आप खेल सकते हो बिशप जी फोर, फिर से आप नाइट टेक्स पॉन की थ्रेट दे रहे हो, तो बीजी फोर के रिप्लाई में व्हाइट रिप्लाई देगा बीबी फाइव, लेकिन आफ्टर लॉन्ग कैसल आपका नाइट टोटली फ्री हो गया और डायरेक्टली व्हाइट के किंग को चेक आ रहा है। तो चेक में किंग अगर ई टू जाता है
तो किंग E2 के बाद नाइट क्रॉस E5 और नाइट के ऊपर प्रेशर आता है। नाइट C3 व्हाइट अगर खेलेगा तो यहाँ आप अपना दूसरा नाइट डेवलप करके सारे स्क्वायर कंट्रोल करके खेल सकते हो। व्हाइट अगर यहाँ पे H3 करता है तो बिशप H5 कीजिए, ना कि बिशप टेक्स F3। बिशप H5 देन बिशप G6। अगर G4 आता है तो यहाँ पे आपको नाइट एफ क्रॉस G4 सेक्रीफाइस दे सकते हो। नाइट एफ क्रॉस G4 और यहाँ पे ब्लैक के विनिंग पोजीशन है। तो ये एक लालची मूव है कि आप बिशप पीछे लेके G4 अलाउ करते हो, लेकिन आफ्टर G4 नाइट क्रॉस G4 एच क्रॉस G4 फिर बिशप क्रॉस G4 और यहाँ पे आपको बिशप टेक्स नाइट सिंपल मिल जाएगा पीस वापस और दो पॉन अप में आप गेम आसानी से जीत सकते हो। तो ये पोजीशन और नाइट थर्ड पॉन एक्सचेंज करने के बाद नाइट से अगर सपोर्ट करता है तो ये पोजीशन से आप क्लियरली विन कर सकते हो। दोस्तों सिगोर इन डिफेंस में मैंने बहुत सारी बातें बताई है, मेरी 8 वीडियोस आज पार्ट 8 मैंने डेवलप कर दिया है, आपके सामने दे दिया है वीडियो पार्ट 8। तो आठों आठ वीडियो कंटिन्यूज आप देख लोगे तो ब्लैक से सिगोर इन डिफेंस आपका बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा और D4 अगेंस्ट आप क्वींस गैम्बिट के सामने काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो टूर्नामेंट में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ ये देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सिगोर इन डिफेंस के कुछ और मूव्स जैसे कि D4, D5, C4, नाइट C6, इसके बाद वाइट G3 करता है कई बार, तो ये एक ऑड ओपनिंग है जो सिगोर इन में आती नहीं है, लेकिन इसमें आप इसके अगेंस्ट कैसे रिप्लाई दोगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। दूसरी एक और ओपनिंग है D4, D5, देन वाइट प्ले C4, नाइट C6 और यहाँ पे बिशप F4, ये एक और मूव है। बहुत सारे लोग ऐसे लंदन सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए खेलते हैं, लेकिन इसका रिप्लाई भी मेरे पास है। तो ये रिप्लाई देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही सारी चीज आपको बताऊंगा और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो इज द लास्ट वीडियो ऑफ सिगोर इन डिफेंस, डोंट मिस इट। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय गुजरात।